हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सांझा चूल्हा। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि हेल्दी भी है। हेल्दी इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा ड्राई फ्रूट डाला है और ये है अंबिका खट्टा मीठा अचार। एक किलो अंबी ली है मैंने, इसका मैं खट्टा मीठा अचार डालूंगी और अब इसको मैं अच्छी तरह धो के सुखा के फिर काटूंगी। अम्बी के खट्टे मीठे अचार के लिए मैंने एक किलो अम्बी को अच्छी तरह धो के सुखा लिया है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ मैं। आधा किलो शुगर, एक बाउल सोगी ली है मैंने और बादाम है, नारियल के गोले को मैंने काट लिया है आधा है ये, और ये 15-20 दाने लौंग के, एक जायफल और ये दालचीनी है, आधा चम्मच लाल मिर्च और एक चम्मच काली मिर्च है। इन तीनों चीज़ों को मैंने ग्राइंड करके पहले से ही रख लिया है। तो अब हम एक एक करके अंबियों को पील करते जाएंगे और इसके बाद इनके छोटे छोटे पीसेस काट लूंगी मैं। पील कर ली हैं, अब मैं इनके छोटे छोटे पीसेस में काटूंगी। अब हम आ गए हैं ग्रैंड माँ के पास, तो उनकी गाइडेंस में मैं अचार की मिक्सिंग करूँगी। तो सबसे पहले क्या डालें, नमक डाल दो। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं एक चम्मच नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च, दालचीनी, लौंग और जायफल, और इसके बाद हम डालेंगे शुगर, बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। सबसे पहले डालेंगे हम किशमिश, बादाम और नारियल। अब इन चीजों को मिक्स करेंगे। मिक्स जो करना है हमने दोनों हाथों से करना है ताकि अंबी के हर एक पीस को सारे मसाले लग जाएं। मसाले मिक्स होते ही बड़ी अच्छी लुक आ गई है। सात से आठ मिनट तक हम इसको सब चीजों को मिक्स करते जाएंगे। अचार हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है तो अब हम इसको कंटेनर में डालेंगे।
अम्बी का खट्टा मीठा अचार बनके तैयार है। अब हम इसे 3-4 दिन धूप लगवाएंगे और उसके बाद हम इसे खा सकते हैं। अम्बी का खट्टा मीठा अचार बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।